तो ये मेरा मेरे भाई लोग के लिए वीडियो बनाया है आज, हाउ टू बाय सेकेंड हैंड बाइक लेते समय क्या क्या बेसिक चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बाइक अपन तो लेते हैं, अपन तो नॉर्मल से कस्टमर, और अपने को बाइक के अंदर क्या है वो तो नहीं मालूम पड़ेगा, वो तो मैकेनिक की आँख का कमाल है, लेकिन एज अ नॉर्मल कस्टमर अपने को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो में बताऊँगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आगे के पास टायर से। तो टायर में क्या होता है कि टायर में ईयर लिखा रहता है, किधर गया ये साल लिखा रहता है, अपने को चेक करना है कौन से साल का टायर बना है और टायर कितना घिसा है। अगर ऐसा है टायर रिसे या फिर टायर उसने अभी अभी चेंज किया है या फिर अभी अभी लगाया है तो समझ नहीं आएगा, गाड़ी इसने बहुत घसाई ली है और उसने चेंज किया है टायर, एक तो हिंट। बाद में दूसरा क्या है, सस्पेंशन, फ्रंट का सस्पेंशन में क्या देखने का है कि इधर से ऑयल, ये स्प्लेंडर वगैरह अगर आप लेंगे स्प्लेंडर वगैरह तो ये काम का नहीं है, लेकिन देखने का है कि स्पोर्ट्स बाइक वगैरह कावासाकी वगैरह जो बाइक रहती है बड़े वेरिएंट की, स्प्लेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई सॉरी, स्प्लेंडर का छोटा रहता है तो उसमें से जल्दी लीक नहीं होता है, तो इधर उसमें ये सब बाइक में से आगे थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आवे मतलब कोई भी अलग अलग रीजन होवे तो उसमें से है ना, ये देखो सफ़ेदी के आगे उजाला बोलते हैं, बाद में अभी देखो इसमें डस्ट, इसमें से ऑयल लीक होता है जिसकी वजह से इसमें डस्ट चिपकता है, तो उसके बाद में अगर ऐसा रेसिड्यू है, जूम कर बेटा जूम, ऐसा कुछ रेसिड्यू बने तो देखने आएंगे अपने को कि ऐसा कुछ रेसिड्यू है, तो हो सके तो अवॉइड करो, क्योंकि छोटा मोटा बड़ा बाइक के ऊपर डिपेंड है कि बाइक कितना खर्चा देगी। बाद में दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो ओडोमीटर रहता है, बाद में बेटा आपने वो देखने है कि ओडोमीटर इसने टेम्परिंग बोले तो ओडोमीटर का नंबर वंबर चेंज नहीं किया रहेगा ना, क्योंकि ट्रिप मीटर तो आराम से भी चेंज हो सकता है, लेकिन ओडोमीटर का कैसा है अपने के नन्नी मुन्नी आँख से मालूम नहीं पड़ता है कि ओडोमीटर का नंबर वगैरह चेंज किया रहेगा कि नहीं, वो तो एक बार बच के रहने का। बाद में छोटा सा टिप ऑफ एडवाइस है कि अंदर का जो वायरिंग रहेगा वो ऐसा फुल वायरिंग होना चाहिए, एक ही कलर का, एक ही ब्रांड का, जैसे कि इधर ब्रांड का नाम लिखा है बॉश का ही रहेगा, देखो बॉश का, यूजुअली तो यामा हर बोले तो बॉश का ही वापरते हैं सब, तो वही कंपनी के सारे वायर्स है और वायर्स के जो सेटिंग्स है वैसे रहने चाहिए, अगर वायर अगर कटा मीठा है कटा वटा है किधर से तो समझ नहीं आ कि भाई ने कुछ एडिशनल काम कराया है, कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशन किया है, ताकि ये तो प्लास्टिक विस्टिक है उसके लिए अपन सॉरी बोलते हैं दिल से। दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी अपने को चेक करने का कि ये सब बरोबर चलता है कि नहीं, ऑन वगैरह होती कि नहीं गाड़ी, ऑन वगैरह लगती है कि नहीं, लेफ्ट और राइट जाती कि नहीं गाड़ी, वो सब भी अपने को चेक करने का है, सॉरी जूम नहीं हो रहा है उसके लिए। बाकी ये हेड है, पिस्टन है, ये अंदर का रोटर है भाई, वही ज़्यादा एक्सप्लेन दूसरी वीडियो में करेंगे, तो अपने को चेक करने का है, हो सके तो ये निकाल के चेक करने का है, अभी निकाल सकता हूँ लेकिन मेरे पास पूरा पार्ट्स नहीं है निकालने के लिए, सॉरी जूम नहीं किया, ये इसको स्टार्टर बोलते हैं अपन, तो स्टार्टर को निकाल के देखने का है कि स्टार्टर के अंदर धुआं है कि नहीं, वो मैं एक वीडियो में बताऊँगा, अगर स्टार्टर के अंदर काले रंग का धुआं रहेगा या बेकार का कोई भी धुआं रहेगा ना तो गाड़ी गांडू है, गाड़ी को छोड़ दो। बाकी ये पिस्टन है, पिस्टन का क्या सीन है, एक टिप ऑफ एडवाइस है कि अगर ये कोई भी गाड़ी का साइलेंसर होवे और बेकार का कोई भी धुआं छोड़े धक 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 करके, धुआं अगर छोड़ती है गाड़ी कोई भी टाइप का तो अलग अलग धुएं का अलग अलग मतलब रहता है, ले हो सके तो अवॉइड करने का भाई, बेकार का खर्चा अपने को नहीं करने का, एक बार गाड़ी लिया खर्चा करने में बस उतना ही काफ़ी है। बाकी अपने को एक और बात है, ये मेरे दोस्त मार्क ने पूछा था कि बाहर से तो गाड़ी अच्छी लगती है लेकिन अंदर का क्या, तो अंदर से सीधी बात है अपन नहीं मालूम कर सकते, रस्टेड पार्ट्स वगैरह हो सके तो एकदम बारीकी से जांचने की गाड़ी बरोबर है कि नहीं, क्लच पैड वगैरह देखने का, क्लच पैड चल रहा है कि नहीं, बैटरी बरोबर रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं, हो सके तो सारे पेपर्स लेने के, और क्या बोलते हैं सर्विस का रिकॉर्ड रहता है ना भाई, अगर गाड़ी उसने अगर बरोबर जगह से ली रहेगी तो उसके पास सर्विस का रिकॉर्ड होगा, जैसे कि यामाहा की है तो इसने यामाहा से ठीक कराई ली ले अपन ने, तो अपन के पास सर्विस का पूरा रिकॉर्ड है, तो सर्विस का रिकॉर्ड रहेगा ना तो आसान रहता है, तो बाद में अपन कंपनी में कोई भी गाड़ी चेक कराने जाएंगे ना तो मालूम पड़ेगा कि कौन से टाइम में उसने कौन से पार्ट्स बदले, कौन सा सर्विसिंग किया, और टायर में ध्यान रखने का कि अगर ब्रांड का टायर नहीं है ना तो जो बुकलेट देंगे सेकेंड के जो डीलर है वो अगर बुकलेट में लिखा रहेगा कि MRF का टायर है और फिरेली का या फिर क्या नल्ले बुल्ले शेल वेल का कोई भी टायर लगाया रहेगा, शेल टायर नहीं बनाते जो भी हो, तो देखना है कि गाड़ी का टायर उसने बदला है तो शायद उसने गाड़ी घसा भी रहेगा, तो गाड़ी का वो हिसाब से अपने को प्राइस डिसाइड करने का, और गाड़ी लेते समय अपने को 10 जगह पूछने का, 10 बार खुद को पूछने का, 15 बार मगजमारी करने का, खुद से खुद ही खुद के दिमाग में कि गाड़ी लेना है कि नहीं, गाड़ी कैसी है,
गाड़ी क्या है क्या नहीं, वाहन पे चेक करने का। अगर आजू बाजू में RTO रहेगा, जैसे अपन बसे में रहते तो बसे का RTO पास में हो सके तो जाके पूछने कि गाड़ी वैलिड है कि नहीं, गाड़ी का सीन क्या है, गाड़ी का टायर वायर चेक करने का, सर्विसिंग वाले पूछने का किधर उसने सर्विसिंग कराया वो पूछने का, कैसे उसने गाड़ी रखी थी वो पूछने का। ज़्यादा रफ़ रखी रहेगी तो खर्चा करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि सस्ती में गाड़ी मिलेगी अगर रफ़ रखी रहेगी तो। लेकिन छोटी छोटी बात रहती है जिससे गाड़ी की प्राइस टोटली इफेक्ट करती है, नो लाइट्स टोटली गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है वो रिजल्ट करती है। बाकी आगे की बात करें तो जो कार्बोनेटर है वो अगर लेंगे अपन गाड़ी सेकंड में तो चेक करने का कि इधर से लीकेज वीकेज तो नहीं हो रहा है, 2-5 किलोमीटर चलाने का बाद में चेक करने का, दो मिनट ऐसा। हाँ, दूसरी दूसरी गाड़ी का अलग अलग रहता है, लेकिन मैं तो यूजुअली क्या करता हूँ कि जब भी अपने को गाड़ी खरीद के बेचने की रहती है तो मैं क्या करता हूँ, कार्बोनेटर का है ना नीचे ऐसा हाथ रखता हूँ, हाथ में अगर कुछ भी पेट्रोल जैसा लगे तो मैं गाड़ी उधर के ही रवाना कर देता हूँ। क्योंकि कोई भी जो सेलर रहता है गाड़ी का, वैसे गाड़ी अगर प्राइम रेट पे बेच रहा है तो वो नल्ली करके नहीं बेचेगा, थोड़ी तो खर्चा करेगा, वो सोचेगा कि भाई सामने वाले को भी प्रॉपर गाड़ी मिले। लेकिन जो खर्चा ही नहीं कर रहा है वो गाड़ी पैसे के लिए कर रहा है, वो तो चूतिया भी बना सकता है, सोचेगा कि सामने वाला नल्ला है उसको बना दो। और बाकी क्लच का है वो तो अपने में, जब भी गाड़ी अपन देखने जाएंगे तो उसको बोलने कि अपन गाड़ी वगैरह उसका क्लच पैड वगैरह अपन देखने जा रहे ले, तो वही हिसाब से अपन को क्लच पैड वगैरह देखने का, क्योंकि टपोरी लोग आ गए ऐसा बुंग बुंग करते हैं तो उसकी वजह से क्लच पैड जल जाता है कि नहीं भाई, अपने को देखना है। और बाद में यहाँ पे देखने हैं कि लुब्रिकेशन उसने चेन का लुब्रिकेशन कैसे किया, अगर वो लोकल ग्रीस से किया रहेगा तो उसकी वजह से अंदर के पार्ट्स को इफेक्ट पड़ता है। बाकी इधर से भी अपन देखने हैं क्या है क्या नहीं, तो बस यही बेसिक इन्फो है अपनी। और ये भी देखना है कि मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने बताया है। और ये भी देखने है कि पेट्रोल का जो पाइप रहता है वो किधर से कटा विटा तो नहीं है, हो सके तो पेट्रोल का पाइप बड़ा ही रहना चाहिए, और पेट्रोल का टैंक क्लीन होना चाहिए। पेट्रोल का टैंक अगर ऐसा है कि पेट्रोल का टैंक भी कभी कभार बहुत कुछ बोल देता है, जैसे कि ये गाड़ी का टैंक पूरा रस्टेड है क्योंकि मैंने मेंटेन नहीं रखी है, अंदर देखेंगे तो फुल रस्टेड है, थोड़ा थोड़ा रस्ट आप देख सकते हो, तो टैंक भी बहुत कुछ बताता है। और एक बार हो सके तो सर्विस सेंटर पे चेक करने का, गाड़ी के ओनर से प्रॉपर बात करने की, नेगोशिएट करने का, हो सके तो प्रॉपर देखने का क्या है क्या नहीं करके, जो ऑयल का रहता है जिसकी बहुत बहुत बार मैंने 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने गाड़ी ली है और मालूम ही नहीं, तो पहली बार जैसा हुआ था कि ब्रेक जिस ये ऑयल लीड रहता है, ऑयल लीड के अंदर ब्रेक ऑयल रहता है, तो ब्रेक ऑयल का कैसा रहता है कि ब्रेक ऑयल के अंदर का जो ऑयल रहता है ना, अगर ऑयल नहीं रहेगा ना तो ब्रेक पूरा अंदर जाएगा, ऐसा क्लच के जैसे ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर ऑयल भर के रहता है तो ऐसा दबेगा, खाली थोड़ा सा ब्रेक दबेगा, तो वो भी अपने को देखने हैं कि ब्रेक प्रॉपर दबता है कि नहीं, ज़ोर से दबता है कि मतलब ऑयल प्रॉपर है, अगर ज़ोर से दबता है लेकिन फिर क्लच के जैसे अंदर जाता है तो एक बार ये खोल के देखने का अपने को कि इसमें ऑयल वगैरह सब प्रॉपर है कि नहीं। बाकी तो वही अंदर के एस्पेक्ट्स मैंने बता दिए, अगर गाड़ी पुरानी टाइप की लगेगी कि नहीं लेने की, ये बेकार है मेंटेन नहीं रखी है पुराने ओनर ने, तो आप उन्हें छोड़ देने हैं वो गाड़ी को, दूसरी अपने गाड़ी की कमी नहीं है, मतलब भगवान है तो अपने मन की गाड़ी तो अपने को मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल। बाकी सर्विस रिकॉर्ड चेक करना है मेन, तो गाड़ी के पेपर्स चेक करने हैं, गाड़ी के ओनर को बराबर मिलना है, गाड़ी का क्या है क्या नहीं वो तो मैकेनिक भी आपको कोई ना कोई बता ही देगा, लेकिन ये मेन 3 पॉइंट है, गाड़ी के ओनर को मिलना है, नेगोशिएट प्रॉपरली करना है फर्स्टली, सेकेंडली उसके पेपर्स देखने हैं, थर्डली हो सके तो अगर गाड़ी के ओनर ने सही में गाड़ी में खर्चा किया है और अच्छे से रखी है तो उसने सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराया रहेगा, जो ब्रांड की गाड़ी है उसके सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराया रहेगा, तो है ये 3 मेन पॉइंट्स याद रखेंगे तो वही हिसाब से गाड़ी है। और हो सके तो गाड़ी अपन तो प्रॉपरली, बहुत बार ऐसा होता है कि खुशी खुशी में ले लेते तो प्रॉपरली मेजर नहीं होती, तो जैसे लॉन्ग उसको बोलने कि हमको गाड़ी मैकेनिक को चेक कराने की है और सर्विस सेंटर में चेक कराने की कि गाड़ी बराबर है कि नहीं, या फिर अगर आपका पर्सनल मैकेनिक वगैरह होगा तो उससे चेक कराने की। बस इतना ही बोलना था अरवाज भाई, मार्ग भाई, भाई लोग जो भी है शेयर करना है तो करो भाई, नहीं करना है तो भी चलेगा, मैं तो भाई तुम लोग के लिए बनाया है वीडियो, बाकी भाई ले गए तो एकदम ध्यान से लेने गए, ऑलवेज स्टे एक नंबर भाई लोग, और मैं वीडियो डालूंगा गाड़ी के बारे में। बस ये तो आपने ऊपर ऊपर से बना दिया, रफ में बनाने का था अपने भाई लोग के लिए, इसके लिए चलो एक नंबर, जय सियाराम।